वेलकम बैक डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर में, यानी कंधे का जाम होना। कंधा जब जाम हो जाता है तो सबसे बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये बाजू ऊपर उठती नहीं है और आदमी बड़ी तकलीफ से कराता है, यहां तक बाजू जा ही नहीं पाती और इसी वजह से दिन भर की एक्टिविटीज का नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्या है, आप कंघी नहीं कर सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते हैं, चिटकनी नहीं लगा सकते हैं, बाजू पीछे नहीं कर सकते हैं, जितनी डेली एक्टिविटीज हैं उनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर कंधा जाम जो है उन तमाम लोगों को हो जाता है जो सारा दिन गर्दन झुका के काम करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स मोबाइल्स पे कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई पे काम करना जब शुरू कर देते हैं तो ये तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यहां पे जो टेंडन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो 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 बर्सा है, स्पेशली जो सब एक्रोमियल बर्साइटिस जो है वहां पर जो है स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से ये जो रीजन है, जो डेल्टॉइड रीजन है, डेल्टॉइड टबरोसिटी, ये कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है और इसी वजह से ये कंधा जाम होने की समस्या आनी शुरू हो जाती है। आज आपको तीन ऐसी शानदार आसान टेक्निक बताऊंगा जिससे कंधा क्या बात है यूं खुल जाएगा, मजा आ जाएगा। इनिशियल स्टेज वालों के लिए बहुत आसान है, जिनको सोजिश अंदरूनी तौर पे आ गई है बेटल ऑयल का इस्तेमाल करना है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, बेटल ऑयल लगाते सारी अंदरूनी सोजिश विद इन वन डे, एक दिन के अंदर अंदर ये सोजिश जो है गायब होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे या तीसरे दिन अगर आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया तो तुरंत आपको आराम आएगा विद इन 2 मिनट्स। देखो क्या कमाल की चीज है, राइट? तो आज आपके साथ यही शेयर करूंगा ताकि कंधा जो है एकदम से सेट हो जाए और ये खुलना शुरू हो जाए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं 6-6 महीने साल साल लगे रहते हैं लेकिन बात बनती नहीं। आज जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा, क्या करना है आपको सिखाता हूं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, ये चार उंगलियां और ये अंगूठा बड़ा काम का है, जबरदस्त। क्या कर रहे हैं, यहां पे इस पोजीशन पे बगल के बिल्कुल नीचे ये अंगूठा जो है आपको यहां पे रखना है और ये चार उंगलियां, ये जो पोर्शन होता है ना ये ऊपर वाला, ठीक है, ये डोले से ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ज्वाइंट, ठीक है, यहां अंगूठा और ये चार उंगलियां ऊपर और इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको घुमाना है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको मूवमेंट देनी है। कितनी देर के लिए, जस्ट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड्स के लिए आपको ये मूवमेंट देनी है। यहां पे क्या है, इस एरिया में कुछ स्पेसिफिक मसल्स हैं, कुछ नर्व्स हैं और कुछ न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे ब्रेन की तरफ सिग्नल देती हैं कि भैया यहां पे आपको अपनी जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना है, मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से यहां पे चारों उंगलियों के जो ये प्रेशर, एक हल्का सा और प्रेशर आपको देना है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट फॉर 60 सेकंड्स। बहुत आसान है, जैसे ही आप करेंगे पहले 1 मिनट में आप कहेंगे वाओ मजा आ गया, लेकिन आपने यहां पे सेटिस्फाई नहीं होना है क्योंकि अपने को जड़ पे काम करना है। इसलिए दूसरी टेक्निक पे भी आ जाइए। क्या करना है, सेम पोजिशन रहेगी, अंगूठा नीचे रहेगा और ये चारों उंगलियां ऊपर रहेंगी और यहां पे आपने प्रेशर देना है और आपको रेंज ऑफ मोशन जो है वो क्रिएट करना है। बहुत आसान है, कितनी देर के लिए करना है, जस्ट फॉर 30 सेकंड्स। जब आप ऐसा करें, अगर आपके कंधे में कट कट की आवाजें आती हैं, कट कट की आवाजें आती हैं, तो आपको बेली ड्रॉप्स का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, नाभि में डालने वाला तेल, ये सारी कट कट की आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। हमारे घुटनों में भी जब ग्रीस की कमी आ जाती है तो हम कहते हैं बेली ड्रॉप्स का इस्तेमाल करो, कट कट की आवाजें सारी बंद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सर्कुलर मूवमेंट, ये रेंज ऑफ मोशन जो है वो क्रिएट कीजिए जस्ट फॉर 30 सेकंड्स। सामने घड़ी रख लीजिएगा, 30 सेकंड कीजिए और मजा आ जाएगा और बाजू को रिलैक्स कीजिए, क्या मजेदार बात है। और तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको बिल्कुल सेम पोजीशन में चार उंगलियां रखनी है और तीसरे स्टेप में ये अंगूठा वैसे ही नीचे रहेगा और अपने को काइनेटिक मूवमेंट जो है उसको इंक्रीज करना है। बचपन में देखा होगा हम यहां पे हाथ रख के ना ऐसे पड़क 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 करके आवाजें निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहां पे हम एक टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, काइनेटिक मूवमेंट का को इंक्रीज करना है, राइट? सेम ऐसे ही ग्रिप, मजबूती से ग्रिप बना के रखना है और ये 30 सेकंड के लिए करना है। बहुत आसान है, देखिए 60 सेकंड पहले किया, फिर 30 किया, फिर 30 किया, कितने हो गए, 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर जाता हो तो क्या बुरा है, कमाल है। बेटल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, कमाल हो जाएगी, क्योंकि सोजिश अंदर की निकाल देगा, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट जो मोबिलिटी है उसको बढ़ा देगा, ये कमाल है इसके अंदर, इसका इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली बड़ा फर्क आएगा। और फिर भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू।